पुलिस पर हमला हुआ और इस हमले से बचने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग और लाठी चार्ज कर दिया। मामला मोतिहारी के डुमरिया थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव का, जहां एक लापरवाह मैजिक चालक ने तीन लोगों को धक्का मार दिया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा देखकर वापस चली गई और थोड़ी देर में गश्ती गाड़ी के साथ फिर आई। ग्रामीणों को समझाने के लिए दरोगा धर्मेंद्र कुमार आगे आए, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी। इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस टीम की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर निकल गया। इधर दरोगा धर्मेंद्र कुमार भीड़ से घिर गए। जब उनके साथ हाथापाई करने की भी कोशिश की जाने लगी तो उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी। रामपुरवा गांव है, वहां पर एक मैजिक वाहन के चालक के द्वारा गांव के कुछ लोगों को धक्का मार दिया गया था, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। और गांव वालों के द्वारा जो है वो वाहन चालक को कब्जे में ले लिया गया था। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस की गाड़ी और डायल 112 की गाड़ी जो है वो तत्काल घटनास्थल पर पहुँची और चालक को मुक्त कराया गया। और चालक को मुक्त कराकर थाना लाने के क्रम में ही कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है पुलिस को घेरने और पुलिस से उलझने का प्रयास किया गया। और इसमें जो है पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज की और आत्मरक्षार्थ जो है उसमें पुलिस के द्वारा हवाई फायरिंग भी किया गया है। स्थिति अभी सामान्य है और SDPO और सर्कल इंस्पेक्टर घटनास्थल पर मौजूद है। असामाजिक तत्वों के ऊपर जो है वो FIR दर्ज किया गया है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। इस घटना के बाद SDPO चकिया सहित कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। उपद्रवियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। मोतिहारी से अमरिंदर मिश्रा की रिपोर्ट।